आज हम लोग बनाने वाले बिना किसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर के माइनक्राफ्ट में एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद तुम्हें हॉलीवुड वाली फीलिंग आएगी। और ये मूवी को देखने के बाद तुम ये बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि ये बिना एनिमेशन सॉफ्टवेयर के बनी है। हमारे लास्ट दो वीडियो पे 10,000 के ऊपर लाइक है, तो इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट देता हूं मैं 9,000 लाइक का, देखते कितनी देर में जाते हैं। तो एक मूवी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले तो ये कि मूवी एटलीस्ट मूवी जैसी दिखना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई गेम चल रहा है यहाँ पर और म्यूजिक भर दिए। हम लोग उसको प्रॉपर मूवी जैसा दिखाएंगे। और हमारे गेम को मूवी जैसा दिखाने के लिए हम लोग को एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके लुक्स एकदम मूवी जैसे आए। लाइक अगर कोई एक्शन वाला सीन है तो एक्शन दिखे, थोड़ा इमोशनल सीन है तो इमोशनल दिखे, और थोड़ा बेकार सीन है तो बेकार दिखे। वैसा बेकार नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचते हो यार। अब देखो पिक्चर में होता क्या है, उसके विजुअल इतने बढ़िया होते हैं, उसके लुक्स इतने बढ़िया होते हैं, और ये माइनक्राफ्ट में पिक्चर कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगेगा। लेकिन अगर माइनक्राफ्ट के ऊपर ही बेस्ड मूवी बना रहे हैं और उस पर ब्लॉक ही नहीं दिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले। और रही बात एनिमेशन की, तो मूवी में एनिमेशन ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ब्लेंडर का यूज करने वाला हूँ, तो नहीं, मुझे ब्लेंडर यूज करते नहीं आता। बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि ब्लेंडर से तो सब लोग एनिमेशन बनाते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर बना के दिखाओ ना। ओके, तो बहुत हुआ मजाक, अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि इस पे हीरो, एक्टर और विलन कौन होने वाला है। तो बेसिकली इस पे जो एक्टर होने वाला है वो मैं हूँ, उस पे जो विलन होने वाला है वो मैं हूँ, और डायरेक्टर भी मैं हूँ, हर चीज मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बनाने के लिए है ही नहीं। ओके, तो मेन चीज ये आती है कि हम लोग ये जितनी भी चीज सोचे वो सब बनाएंगे कैसे। तो हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है रिप्ले मोड की। तुम लोग को पता होगा रिप्ले मोड के बारे में, और ये 90% काम आने वाला है हमारे। लाइक अगर रिप्ले मोड ही रहेगा तो दिखाऊंगा कैसे मैं उसको। एंड जो नेक्स्ट चीज हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे उसका नाम है शेडर। तो बेसिकली शेडर में देखो तुम लोग कितना ज्यादा बढ़िया लुक दिखता है, और ये विजुअलिटी को बढ़ाने का सबसे मेन सोर्स है। लाइक तुम लोग देखो, मैं ऐसे ही करके एक पूरा का पूरा मूवी बना सकता हूँ। तो यार शेडर भी हम लोग के मेन चीज होने वाली है। और अब जो चीज लगने वाली है वो है मॉड। अब देखो मार्केट में तो हजारों मॉड ऐसे अवेलेबल है जिसका हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इस टाइप के मॉड चाहिए जो कि विजुअलिटी को इनहेंस करे। ऑल्सो हम लोग को साउंड इफेक्ट वाले मॉड ज्यादा चाहिए, क्योंकि मूवी में तुम लोग ने देखा होगा साउंड इफेक्ट का कितना बड़ा रोल होता है, और अगर साउंड इफेक्ट सही नहीं होंगे तो भाई मजा नहीं आएगा। और साथ में हम लोग को ऐसे मॉड भी चाहिए जो कि नए फीचर्स को ऐड कर सके। किसी भी चीज को अगर हम लोग को टोटली फिल्म करना है तो हम लोग को उसके मोशन में बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब ये बात तुम्हारे सिर के ऊपर से गई होगी, लेकिन अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो अभी मैं जाऊंगा स्पेक्टेटर मोड में, और अभी मैं सी दबा दूंगा अपने कीबोर्ड में, तो तुम लोग देख सकते हो। तो अभी मैंने अपनी FOV को 30 कर दिया, और अभी जब मैं यहाँ पर धीरे धीरे कैमरे को हिला रहा हूँ ना, तो ये ज्यादा सिनेमेटिक लग रहा है। वहीं पर अगर मैं फास्ट यहाँ से निकलूं, जैसे कि देखो यहाँ पर फास्ट मोशन करने लगा मैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन मूवी बन रही कोई। देखो यहाँ पर मैं इसे अपने कीबोर्ड और माउस से हैंडल कर रहा हूँ एक्चुअली। अगर तुम लोग ये वाली क्लिप को कहीं पर देखोगे तो तुमको एक्चुअली लगेगा कि ये रिप्ले मोड से बना, लेकिन मैं रिप्ले मोड से बिल्कुल नहीं बना रहा, इसे मैं इसे अपने कीबोर्ड और माउस से हिला रहा हूँ। लाइक मैं सी दबा के बंद कर दूंगा, तो देखो मैं इसको यहाँ पर एक्चुअली कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब जैसा कि हम लोग जितने भी एनिमेशन है वो खुद से करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस पे इंस्टॉल किया एक ऐसा एनिमेशन मोड जिसकी मदद से हमारा प्लेयर एनिमेट होता है। लाइक ये देखो, इसके चलने का स्टाइल देखो एंड दौड़ने का स्टाइल देखो। लाइक ये उतना अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है मेरे हिसाब से। एंड अगर ये दौड़ रहा तो भाई ये कैसा दौड़ रहा, पता नहीं क्यों अजीब है ये। तो मोस्ट ऑफ द मूवीज में अगर एक्शन सीन को क्रिएट करना होता है तो उस पर एक्सप्लोजन डालते हैं, और माइनक्राफ्ट का एनिमेशन काइंड ऑफ कितना ज्यादा वियर्ड है तुमको भी पता है। तो इस पे मैंने एक मॉड डाला हूं, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर TNT रखेंगे और जब इसको ब्लास्ट करेंगे तो देखना है कैसे ब्लास्ट होगा। डैम, ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें मैंने फिजिक्स मॉड लगाया हूँ और एक मॉड लगाया हूँ जिसके कारण ये ब्लास्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है। बट आई डोंट नो व्हाई मेरा इससे भी मन नहीं भरा, और मैं आ गया पेट्रियन पे, और यहाँ पर मैंने खरीद लिया फिजिक्स मॉड का प्रीमियम वर्जन। भाई इस वाले प्रीमियम मॉड में दुनिया भर की चीजें जो कि मेरे को चाहिए। और अगर तुम्हारे लिए मैंने प्रीमियम मॉड खरीद लिया तो तुम इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। ओ भाई साहब, तुम एक बार स्मोक का कलर देखो, कितना रियल है ये। मैं लेजिट बता रहा हूँ भाई, ये वाले मॉड को खरीदना एकदम वर्थ इट है। लाइक देखो मैं यहाँ पर बहुत सारे TNT रखता हूँ, एंड जब मैं इनको ब्लास्ट करूंगा तो क्या मस्त दिखेगा। डैम भाई कितना भाई तुम एक बार देखो कितना खतरनाक है ये। लाइक मेरे FPS भी यहाँ पर डाउन हो गए, और यहाँ पर मैंने फिजिक्स मोड में यहाँ पर ब्लॉक वाला भी लगा रखा है, तो कितना खतरनाक है भाई ये। और ये रियल टाइम का धुआं है, मतलब ये गायब भी नहीं हुआ, ये ऊपर तक जा रहा है। और ये तो लेजिट इसका सिर्फ एक फीचर है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर फिजिक्स सेटिंग में, तो इतने सारे फीचर है इस पे। लाइक यहाँ पर क्लॉथ, ओशियन, ये सब प्रीमियम फीचर है। नाउ अभी मैं तुमको ओशियन पे जाके दिखाता हूँ क्या मजा आएगा। सो अभी मैं ओशियन पे आ चुका हूँ। ओके, मैंने वेदर को ठंडा कर दिया, एंड यहाँ पर मैंने बोट भी निकाल लिया, एंड लेट्स गो। तुम लोग ये देखो एक बार कितना रियल है ये, किस एंगल से तुमको माइनक्राफ्ट लग रहा है यार। लाइक मुझे बहुत दिन से ये वाला मॉड खेलना था, और चलो मौका मिल गया वीडियो बनाने के लिए। जस्ट तुम लोग एक बार देखो ये वाले मॉड में पानी कितना मस्त है, मैं इसको सेटिंग से चेंज भी कर सकता हूँ। और तुम लोग इसको कितना रियल, इससे रियल और क्या हो सकता है भाई, मेरे को एक बात बताओ। और तुम लोग को यहाँ पर जो वेव की आवाज आ रही होगी वो भी कितनी रियल है। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं मूवी, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा हार्ड टास्क है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं वो चीज को बना पाऊंगा कि नहीं। लाइक बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन मेरे को बिल्कुल नहीं पता है। एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो फिजिक्स मॉड के कारण कितना बढ़िया ये हिल रहा है। एंड ये जो बारिश है ना, बारिश ये कैसी हो रही है, एकदम रियल लाइफ वाली बारिश जैसे हो रही है। अभी मैं यहाँ पर अगर स्नोबॉल फेंकूंगा ना, तो स्नोबॉल रियल स्नोबॉल जैसे काम करेगी। ये देखो तुम लोग को जो मूवी देखने मिलने वाली है वो बहुत मस्त होने वाली है। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। ये मैं कहां हूं, ये कौन सी जगह है? माइनक्राफ्ट में तुम्हारा स्वागत है।
कौन हो तुम? क्या करोगे मुझे जान के? मुझे जानना है इस दुनिया के बारे में। ये वो दुनिया जहाँ तुम हर वो चीज कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ध्यान रहे, सूरज ढलने के बाद काली शक्तियों से बच के रहना होगा। काली शक्तियाँ? मैंने सोच लिया है, मैं उस जगह पे जरूर जाऊंगा। तो यही था हमारी 300K की खुशी में एक छोटा सा टीजर। मैंने इसको ज्यादा एक्सटेंड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। बट अगर तुम लोग इस पे 2000 कमेंट कर दोगे तो मैं एक्चुअली इसका एक बड़ा वाला पार्ट लाऊंगा जिसपे ज्यादा बढ़िया बनेगा ये। एज यू ऑल नो भाई, बिना ब्लेंडर के इतना ज्यादा एनिमेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिप्ले मोड से बन कैसे गया। बाकी अगर आप लोग कोई भी मॉड इंस्टॉल कर रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो। जितने भी मॉड मैंने यूज किए सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जहां पर मैं तुम लोग से आके बात करता हूं। तो अगर तुम लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोग से अनदर धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।